हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट एलॉय। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के मैथ की, जो रोजगार विधान के एप्लीकेशन पर मिनी मॉक टेस्ट होता है उसके बारे में मैं बात करूँगा कि जिसमें मेरा जो स्कोर है 15/15 ही है। और ये मतलब अब देखो एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचा, 24 नवंबर से जो है एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो अब इसमें अपना जो है स्कोर मतलब मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें इसके बारे में बात करूँगा। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट मिनी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मिनी मॉक टेस्ट देना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और जितने भी मिनी मॉक टेस्ट मैथ के हैं उन्हें सभी को दे दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको अपनी जो है प्रैक्टिस जो है ना आपकी एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी, और आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि आपकी जो है गलती आप कहाँ कर रहे हो और कहाँ पर आपकी कमियाँ चल रही हैं। ठीक है, और साथ ही प्रैक्टिस तो होगी होगी, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी आपकी। तो मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं है ना, जो गलत होते हैं ना उन पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको वो चीज़ें देखनी है किस टॉपिक के आपके गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक में भी किस टाइप के गलत हो रहे हैं, उस टाइप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, उन क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आप लिखते जाएंगे ना तो फिर उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखो, सब इसको बढ़ाने का मेन कारण है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना करने से ही आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। अब प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे, जैसे कि आप जब मौका दे देते हैं ना तो फिर उसका एलएस करोगे। एलएस करने के बाद में आप ये देखना कि आपके जो गलत हुए हैं वो किस टाइप के गलत हुए हैं, फिर उसी टाइप को आपको बुक्स ले लेनी है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी आपके पास बुक हो, तो उस बुक में आपको उन क्वेश्चन को देखना है कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है। तो क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं, उन क्वेश्चन पे ही आपको 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। जब आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप एक खुद से कमेंट करना कि जो आज मेरे क्वेश्चन जिस टॉपिक के गलत हुए हैं वो अगले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होने चाहिए। आप उस तरीके से पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका CISIC क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आपने किया भी और गलत भी हो गया, तो आपको CISI को इतने आप पढ़ लेना है एक दिन में ही कि आपका अगले दिन जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका गलत CISI का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले किसी भी टाइप का गलत क्वेश्चन हो जाए। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। और फिर और अगर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाउन हूँ मैथ में, तो आपको क्या करना है कि बुक ले लेनी है। बुक में जितने भी जो आपको चैप्टर जो है आपके इजी लगते हैं और आप उन्हें कर लेते हैं ना, नॉर्मली आप कर लेते हैं उन्हें, तो उन पे तो आप अपनी कमान अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, और जो आपसे थोड़े हार्ड लगते हैं ना, तो उनके जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, जो सरल सरल क्वेश्चन होते हैं एक टाइप दो टाइप तीन टाइप तक के, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए है ना। तो आपका इससे स्कोर भी जो है कि आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे, 10 11 12 13 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन आराम से कर लोगे मेन एग्जाम में। तो देखो, अब देखो मॉक टेस्ट में कैसा लेवल आ रहा है, मेन एग्जाम में कैसा लेवल आएगा, ये तो बात की बात है। जैसे मॉक टेस्ट में, अगर मॉक टेस्ट की लेवल की मैं बात करूँ, मॉक टेस्ट का लेवल तो आप सभी को पता है कैसा रहता है, अंकित भाटी के सर का मॉक टेस्ट का लेवल, तो उसमें तो कहने की कोई बात ही बताने वाली बात नहीं है, तो आपको खुद ही पता होगा आपको कि लेवल क्या रहता है ना। वो लेवल कोई मॉडल लेवल पर मैथ रहता है उनका, दिल्ली पुलिस का ही नहीं, दिल्ली पुलिस का आपको देखो किसी भी का दे लेना, GD का दे लेना, EB पुलिस का दे लेना, उस सभी का मॉडल लेवल पर रहता है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी है, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और मॉक टेस्ट एक भी मॉक टेस्ट मत छोड़िए, जो मिनी मॉक टेस्ट है, चाहे वो रीजनिंग का हो, ज्योग्राफी का हो, सॉरी GS का हो, या कंप्यूटर का हो, या मैथ का हो, आपको सभी मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट सभी दोगे, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तभी आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी आपको अपनी कमियाँ नज़र आ जाएंगी कि मेरी कमी जो है इस जगह पर चल रही है और मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो, प्रैक्टिस से ही स्कोर बढ़ेगा। देखो, ज़्यादा पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नई चीज़, अब देखो मेरा मानना है कि अब एग्जाम में ज़्यादा समय तो नहीं बचा है ना, 20 22 30 एक महीना के समथिंग बचा है ना, तो अब आपको नई चीज़ें तो नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए फिर भी, लेकिन इतनी नहीं पढ़नी चाहिए कि आप आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, जो आपने पहला पुराना पढ़ चुके हो आप उसका रिविजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपने मान लिया स्टेटिक जी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया GS में, और ज्योग्राफी पॉलिटी इन सभी के रिवीजन करते रहिए, और फिर साथ ही मैथ का भी जितने भी आपने नोट्स बनाए होंगे उसका कॉन्सेप्ट है, उन सभी को एक दो बार 3 बार फिर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा,